नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज हमारे हाथ में एक न्यूज़पेपर है, ये 23 जनवरी 2024 का दैनिक भास्कर का एक पृष्ठ है आपका। और इस पृष्ठ में जो बातें लिखी हैं उससे एक बात ये भी निकल रही है कि मध्य प्रदेश में आगे करीब 7,500 पुलिस आरक्षकों की और 500 के लगभग आपकी जो है वो उप निरीक्षकों की जो है भर्ती शुरू होना है। और ये भर्ती आपकी जो है पहले ही शुरू होना था आपकी। ये देखिए, इसमें हम दिखाते हैं आपको कि जो टारगेट था इन भर्तियों को। चलिए न्यूज पढ़ते हैं कि प्रदेश में 7,500 आरक्षकों की नियुक्ति उलझी, परीक्षा परिणाम में हो रही देरी, जून के पहले नियुक्ति के आसान नहीं। तो कह सकते हैं अपन कि जून जुलाई तक आपकी ये प्रदेश में 7,500 आरक्षकों की और ये 500 आपकी जो है पुलिस आरक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ हम। कर्मचारी चयन मंडल, जी हाँ, व्यापम का नया नाम है ये, और से लिखित परीक्षा के परिणाम जारी नहीं होने के कारण से प्रदेश में 7,500 पुलिस आरक्षकों की नियुक्ति उलझी हुई है। लिखित परीक्षा के परिणाम आने के बाद ही शारीरिक दक्षता परीक्षा पुलिस लेगी और परीक्षा में 4 से 5 माह जो है वो लग सकते हैं। इसके बाद लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंकों को जोड़कर प्रवीण सूची तैयार की जाएगी, इसमें भी लगभग 2 माह लगेंगे और इस प्रकार जून के पहले नियुक्ति होने की संभावना नहीं है। तो जो अभी एग्जाम हुए हैं उनकी नियुक्ति कब तक होगी, कब तक रिजल्ट आएगा, तो ये हम कह सकते हैं कि जून तक इनकी जो है वो इनकी जो रिजल्ट भी आ जाएगा, जो पुलिस आरक्षक का एग्ज़ाम हुआ है आपका, और नियुक्ति की भी संभावना है। जब तक पुलिस आरक्षक की भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी नहीं होते 550 उप निरीक्षकों की भर्ती भी शुरू होने के आसार नहीं हैं। इसकी वजह से यह पुलिस आरक्षकों के परिणाम जारी करना कर्मचारी चयन मंडल की पहली प्राथमिकता है। दूसरी बात यह है कि फरवरी मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, इस कारण से भी उप निरीक्षकों की भर्ती शुरू होने के आसार नहीं हैं। और एक गुड न्यूज़ है आपकी, ये पुलिस मुख्यालय सितंबर में ही उप निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए जो मंडल है आपका कर्मचारी चयन मंडल को नियमावली भेज चुका है। और जैसा बताया गया है कि पुलिस आरक्षक में जो नियम लागू हुए हैं वही आपके जो है वो एमपी एसआई में भी लागू होंगे। तो पहली बार जो है उस शारीरिक दक्षता परीक्षा के 50% अंक रखे गए हैं। इसके पहले की परीक्षाओं में मात्र निर्धारित अंक ही, जो लिखित एग्जाम होता था आपका, उसी में ही जो है वो मेड बनती थी। आरक्षकों और पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती भी इसी का हिस्सा है। अगस्त 2023 के पहले सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है, और लक्ष्य था, पहले था ये लक्ष्य कि अगस्त 2023 तक जो पुलिस आरक्षक के पद हैं वो आपके जो पुलिस एसआई के पद हैं एमपीएसआई के, उनको भर लिया जाएगा। लेकिन चयन मंडल के पास जो है वो ज़्यादा दबाव होने के कारण, काम का काफ़ी दबाव है, इसके कारण से ये परीक्षा जो है वो टल रही है। तो देरी के कारण हमको समझ में आ रहा है। तो लगभग आपका जो निरीक्षक हैं, आरक्षक हैं, पुलिस आरक्षक, कांस्टेबल और एमपीएसआई, इसकी वैकेंसी आने में लगभग 6 माह आपके लग सकते हैं। तो ये 6 माह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस दौरान आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो मास्टरमाइंड कोचिंग द्वारा जो है बैच स्टार्ट किया गया है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया गया है और फीस भी बहुत डिस्काउंट फीस रखी गई है। तो आप हमसे इस संबंध में संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें आप, 930-281-2239। इस नंबर पे आप संपर्क करके हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप हमारी संस्था में आ सकते हैं। हमारी संस्था आपकी रीवा में सिरमौर चौराहा में आपका रमा गोविंद स्थित है, उसी के टॉप फ्लोर में ये मास्टरमाइंड कोचिंग संचालित है। तो उसी में आकर के आप जो है वो फेस टू फेस हमसे जानकारी ले सकते हैं। चलिए, अगले वीडियो में जैसे कोई वैकेंसी के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो फिर बताएंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें, ताकि कोई भी अपडेट जो हम दें आप तक पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।